नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश। आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोजेक्ट और आइए स्टार्ट करते हैं अपना आगे का वर्क। पिछले वीडियोस में हमने दोस्तों अपने यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लिया था। जो हमारा पेजिनेशन था, पेजिनेशन आ चुका था पिछले वीडियो में। जिस भी हम पेज पर क्लिक करते थे, उस पेज से रिलेटेड आइटम्स हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होने लगे थे। तो ये सारे काम हम कर चुके हैं यहाँ तक। और अभी क्या करना है दोस्तों, अभी ये करना है कि जैसे जो हमारा प्रोडक्ट कैटेगरीज है और ये कैटेगरीज है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जब आप शॉप के पेज पर होते हो तो आपको शॉप का और इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहे हैं। बट हमें क्या करना है कि जब कोई जैकेट्स पे सिलेक्ट करता है तो यहाँ पे सारे देखिए कोई आइटम्स दिख नहीं रहे हैं। जैकेट से रिलेटेड आइटम यहाँ पे कोई नहीं आ रहे हैं, है ना। शूज से रिलेटेड आइटम कोई नहीं आ रहे हैं, कोट से रिलेटेड कोई नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी है इसको हमें डायनामिक बनाना है। और यहाँ पे जब भी कोई बंदा क्लिक करे जैकेट्स, तो जैकेट्स रिलेटेड जो भी आइटम्स हो हमारे पास वो हमें यहाँ पे मिल रहने चाहिए। उसके बाद शूज पे जब कोई क्लिक करे तो शूज रिलेटेड जो कुछ आइटम्स हो वो मिल जाए, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे कि चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। और यहाँ पे दोस्तों ये हमारा ओपन है इंसर्ट प्रोडक्ट का। अभी क्या करना है कि हमें जो है जाना है किस पेज पे, अपने शॉप नो हम जाएंगे फंक्शन में और यहाँ पे जाएंगे फंक्शंस पे, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं यहाँ पे। अभी क्या करना है कि अभी हमें फंक्शन और क्रिएट करने हैं कुछ। वो कौन सा फंक्शन होगा, वो होगा आपके प्रोडक्ट कैटेगरी से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे गेट प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट कैटेगरीज प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो हम फंक्शन लिखेंगे उस फंक्शन का प्रयोग होगा क्या, उस फंक्शन का हम प्रयोग वहां पर करेंगे जब भी हम कोई प्रोडक्ट कैटेगरी पर कोई बंदा क्लिक करता है तो उस प्रोडक्ट कैटेगरी में जो भी आइटम्स आपको दिखेंगे उससे रिलेटेड कंटेंट हमें दिखाना है अपने शॉप वाले पेज पर। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक फंक्शन, यहाँ पे, और उस फंक्शन के लिए लिखते हैं फंक्शन। और इस फंक्शन को हम एक नाम देंगे गेट पी कैट, ठीक है ना। गेट पी कैट यानी प्रोडक्ट कैटेगरी, और यहां पर दे देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये पता चलेगा कि ये जो हमारा फंक्शन है इस फंक्शन का काम क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यहाँ डिस्प्ले करने का, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाते हैं ग्लोबल अपने डेटाबेस को, ग्लोबल कर दिए। और यहाँ पे जो है अपने डीबी को हम ग्लोबल कर चुके हैं। फिर से लिखते हैं एफ और यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि इज सेट, ठीक है, क्या इज सेट हो। यदि आपको मिल रहा हो एक यू आर एल वेरिएबल, ठीक है ना, मैं इसको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई तुम्हें यू आर एल वेरिएबल मिल रहा हो, यानी कि डॉलर अंडर स्कोर गेट में पी कैट आ रहा हो, आप समझे नहीं होंगे तो मैं समझा दूं आपको यहाँ पे होने वाला क्या है। होने वाला कुछ ऐसा है यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी इफ इट सेट डॉलर अंडर स्कोर गेट और पी कैट, यानी आप है शॉप वाले पेज पर, इसको हटाता हूँ यहाँ से, आप है शॉप वाले पेज पर यदि कोई यूजर क्लिक करता है जैकेट पे, ठीक है ना। तो जैकेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये आया यू आर एल वेरिएबल पी कैट और इसकी वैल्यू है यहाँ पर 1, ठीक है। तो मैं उसको वहां पे यही बता रहा हूँ कि अगर तुमको यू आर एल में ये पी कैट देखने को मिलता है, ये पी कैट यू आर एल में देखने को मिलता है यहाँ पे, अगर ये सेट है यानी ये एक्टिव हुआ है तब ये आगे का जो कोड है ये एग्जीक्यूट करो आप, ठीक है। और ये हम दे कहाँ से रहे हैं, इसको दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट कैटेगरी से, प्रोडक्ट कैटेगरी ये है हमारी, यहाँ से देखिए ये हम भेज रहे हैं पी कैट, है ना। जितनी भी यहाँ पे कैटेगरी आपको दिख रही है ये सारी कैटेगरी, इन कैटेगरीज को हमने अपने डेटाबेस में एक वैल्यू दे रखी है। आपको चलिए डेटाबेस का भी एक लुकअप दे मैं छोटा सा, ये रहा प्रोडक्ट कैटेगरी, ये हमारा आ गया इसमें, हम गए इकॉम में और यहाँ पे है हमारा
प्रोडक्ट कैटेगरी। देखिए अब इस प्रोडक्ट कैटेगरी में ये है पी कैट आईडी, ये सारी पी कैट आईडी है ना, और इन्हीं पी कैट आईडी को हम यहाँ पे देखिए ये पी कैट आईडी को भेज रहे हैं यहाँ से लेकर के पी कैट आईडी, ठीक है ना। इससे इसकी यूनिक आईडी मिल जाएगी, इसी यूनिक आईडी को हम इस वेरिएबल में स्टोर करवा के, ध्यान दीजिएगा, डेटाबेस से हमने ये वैल्यू रिट्राइव करके यहाँ पे स्टोर करवा दी, ठीक है। फिर हमने इसी वैल्यू को, जो ये वैल्यू है हमारी, इसी वैल्यू को एक नया वेरिएबल पी कैट, जिसको हमने यू आर एल वेरिएबल की तरह यहाँ पे बना रखा है, उसमें हमने डिस्प्ले करवा दी ये वैल्यू कि जब भी कोई किसी उस पर क्लिक करता है प्रोडक्ट कैटेगरीज पे, तो उसकी देखिए यहाँ पे पी कैट लेकर जा रहा है नीचे, देखिए आप, तो पी कैट इक्वल वन, तो इसकी आई डी वन है, इसकी आई डी टू है, इसकी आई डी थ्री, इसकी आई डी फोर, फाइव, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे अगर इसे सेट है डबल अंडरस्कोर गेट के साथ में पी कैट आई डी इसको एक्टिव मिल रही है तो आगे का काम करे। तो आगे का काम क्या है कि सबसे पहले इसको हम ये बताते हैं कि भाई तुम डॉलर अंडरस्कोर पी कैट आई डी इक्वल, पहले उसको एक जो वैल्यू वहां से आ रही है, यानी कि जैसे यहाँ पे जब कोई क्लिक किया था तो ये वैल्यू है वन इसकी, है ना, ऊपर देखिए वन, तो इस वन को हम पहले अपने एक नए वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं आगे के यूज के लिए। तो डॉलर अंडरस्कोर गेट और जो वैल्यू वहां से आ रही है उस वैल्यू को हम यहाँ पे अपने आगे के यूज के लिए स्टोर कर ले रहे हैं पी कैट, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई इसके अंदर, इसका हम आगे करेंगे यूज, ठीक है। फिर क्या करना है कि हम एक क्वेरी चलाएंगे इस वैल्यू के आधार पर, जो वैल्यू इसमें है इसी वैल्यू के आधार पर हम अपने प्रोडक्ट से कुछ आइटम को उठाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर, अभी आगे जब क्वेरी लिखेंगे तब आपको बताएंगे, पहले लिख देते हैं क्वेरी। यहाँ पे क्या होगा, अब हम करेंगे कि गेट प्रोडक्ट कैटेगरी, गेट प्री पी कैट्स, ठीक है, गेट पी कैट्स कर दो आप, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं कौन सी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है। वेर, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि आप, मैंने कहा कि भाई सिलेक्ट ऑल कर लो प्रोडक्ट कैटेगरी, सॉरी प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं, केवल प्रोडक्ट सिलेक्ट ऑल, अच्छा ठीक है, चलो प्रोडक्ट कैटेगरी कर लो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट कैटेगरी वेयर पी कैट आई डी इज इक्वल टू पी कैट, ठीक है। यहां हमने क्या कहा कि आप सिलेक्ट करो कहां से, प्रोडक्ट कैटेगरी से, क्या सिलेक्ट करो, आइटम्स, कौन से आइटम्स जो यहां पे जा रहे हैं पी कैट आई डी में, और इक्वल यहां पे किसके, इससे रिलेटेड जो आइटम्स हैं, ये हाँ ठीक है, ओके चल तो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो हमने क्वेरी रन कराई यहाँ पे गेट पी कैट, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट कैटेगरी वेयर पी कैट आईडी, ठीक है, यानी जब हम जाएंगे अपने प्रोडक्ट कैटेगरी में तो यहाँ पे मिलेगा ये पी कैट आईडी, ठीक है। तो हमने कहा कि आप ऐसा करो कि आइटम सारे सिलेक्ट करो, ठीक है, इसको मैंने क्या कहा, प्रोडक्ट कैटेगरी से सब कुछ सिलेक्ट कर लो, लेकिन कहाँ से सिलेक्ट करो, वहां से सिलेक्ट करो जहां प्रोडक्ट कैट आईडी, ठीक है, इक्वल टू दिस कैट आईडी हो। यानी अगर मैंने क्लिक किया है सूज पे तो यहाँ पे कैट आईडी गई है टू, ओके, ये देखिए ऊपर टू है, तो ये यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे वैल्यू जाएगी पी कैट आईडी
ये जो लिखी है पीकेट आईडी, इसकी वैल्यू जाएगी 2, तो 2 असाइन हो जाएगा इसको। तो ये सब कुछ सिलेक्ट करेगा, लेकिन कहां से सिलेक्ट करेगा, जिसकी प्रोडक्ट आईडी होगी 2, प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी होगी 2। यानी कि अगर यहां पे आएगा और इसकी आईडी मिलेगी 2, तो शूज है ना, शूज यहां पे, तो ये शूज से रिलेटेड चीजों को सिलेक्ट करेगा। लेकिन मैं यहां पे इस टेबल का डेटा क्यों आपके मन में आ रहा होगा ले रहा हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर हमें प्रोडक्ट ही डिस्प्ले करना था ना कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट में जाकर के और यहां से टिकट आईडी थी ना, इससे भी तो मैं कंपेयर करवा करके सारे प्रोडक्ट को वहां डिस्प्ले कर सकता था। बट अब ध्यान दीजिएगा, होना ये भी है ना, ये हमें ये नाम भी चाहिए होगा ना, और नाम के साथ साथ इसका डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होगा, क्योंकि जब आप क्लिक करोगे, समझिएगा, जब आप क्लिक करोगे, मान लो आप कहीं पे क्लिक नहीं करते हो, शॉप पे क्लिक कर रहे हो, तो ये शॉप लिख कर आ रहा है और इसका ये जो कंटेंट, ये सारे बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, इस बॉक्स को भी तो हमें डिस्प्ले करना है ना प्रोडक्ट के साथ। तो यानी अगर मैंने सोच पे क्लिक किया, तो अगर मैं ये नहीं करता यहाँ पे, अगर मैं ये नहीं करता, ये लाइन यहाँ पे नहीं करता, और प्रोडक्ट से उसका नाम जो है, ये नाम डेटाबेस से और उसका डिस्क्रिप्शन अगर रिट्राइव में नहीं करता, तो वो चीज मैं आपके शॉप वाले पेज पर यहाँ पे डिस्प्ले कैसे करता। प्रोडक्ट तो सारे आ जाते प्रोडक्ट कैटेगरी से, बट डिस्प्ले नहीं हो पाता ना। तो डिस्प्ले होने के लिए, क्योंकि हमें ये नाम भी चाहिए ना, इसका ये सोर्स का जो नेम है और इसका डिस्क्रिप्शन, ये भी हमें चाहिए प्रोडक्ट के साथ साथ, ये भी हमें चाहिए। तो इसी वजह से मैंने ये यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी से इसका टाइटल और इसका डिस्क्रिप्शन, ये दोनों लाने के लिए हमने इससे रिलेटेड आइटम्स को प्रोडक्ट कैटेगरी से भी हम यहाँ से रिट्राइव कर रहे हैं। आगे चल के हम प्रोडक्ट से भी लेंगे, लेकिन यहाँ से वो भी ले रहे हैं, क्योंकि हमें कैटेगरी का नेम और डिस्क्रिप्शन भी डिस्प्ले करना होता है। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे नहीं चलता, अभी ये चीज नहीं बताता, तो कहीं से आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते। तो अभी क्या करना है, बस आप कर लो रन पी कैट, ठीक है, और यहाँ पे माई एस क्यूएल आई और क्वेरी, वही चीज है क्वेरी, और क्वेरी का क्या है कि क्वेरी में सबसे पहले कौन और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका ये हो जाएगा। ओके, आई थिंक इस राइट माई एस क्यूएल आई क्वेरी, ठीक है, इतनी चीजें हो गई हैं। अब इसमें हमने सॉरी कौन नहीं है यार, यहाँ पे डीबी है, ऊपर डीबी लिखा हुआ है ना, डीबी। ओके, अभी क्या है कि ये हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं ये करता हूँ, यहाँ से रोज को जो है फाइंड करता हूँ, रोज को, रो पी कैट, प्रोडक्ट कैट के रो को फाइंड करता हूँ कैसे, माई एस क्यूएल आई फेच एरे के जरिए, माई एस क्यूएल आई फेच अरे, और इसको मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हें जो भी डेटा मिल रहा है यहाँ पे, उसको यहाँ पे भेज दो, ठीक है, रन पी कैट को, और उसके बाद में यहाँ से वो डेटा आ गया बाहर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने एरे में भी कन्वर्ट कर दिया। अब मैं पी कैट टाइटल, यहाँ से उसका टाइटल ही बात हो रही थी ना, पी कैट टी आई टी एल ई टाइटल, ठीक है। अब टाइटल कहाँ आके स्टोर हुआ है, इसमें, तो इसको लेते हैं और इसकी की के जरिए हम प्रोडक्ट के टाइटल को देख लेते हैं कौन सा टाइटल है, पी कैट टाइटल वो ले लेते हैं यहाँ पे, पी कैट टाइटल, ठीक है, ये हो गया पी कैट टाइटल। तो अब टाइटल भी हमें मिल जाएगा है ना, इसको करने से क्या होगा, टाइटल भी हमें वेब पेज पे वहाँ पे शॉप वाले पेज पे डिस्प्ले करने के लिए मिल जाएगा। टाइटल अगर नहीं मिलता तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता ना। अब डिस्क्रिप्शन भी हमें लेना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी आप वहाँ पे लिख देते हो ना, थोड़ा सा पी कैट डी ई एस सी, और यहाँ पे भी वही होना चाहिए डी ई एस सी, पी कैट डी ई एस सी, देख लो एक बार पी कैट डी ई एस सी। ओके, ठीक है ना, अब टाइटल का काम तो हो गया, प्रोडक्ट टाइटल से हमें जो चीज़ें, यानी हमें इस टेबल से जो चीज़ें चाहिए थी, अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के टेबल से जो आइटम्स हमें चाहिए थे, यानी प्रोडक्ट का कैटेगरी का वो जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसका टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन, ये जिस चीज़ हमें चाहिए थी डिस्प्ले करवाने के लिए, तो ये दो काम तो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, ये तो हमें मिल गया। अभी हमें क्या चाहिए,
कि अब हम चलेंगे प्रोडक्ट की ओर, गेट प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब वो एक काम तो कंप्लीट हुआ कि हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए, यानी यहाँ पे ये चीज जो डिस्प्ले हो रही है ना, ये बॉक्स के लिए तो हम आइटम यहाँ से पा गए हैं कि अगर सूज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सूज लिख जाएगा, टाइटल के जरिए और डिस्क्रिप्शन के जरिए डिस्क्रिप्शन में वो लिख जाएगा। तो ये काम तो हमने कर लिया। अब ये जो प्रोडक्ट है सारे यहाँ पे, इन प्रोडक्ट को भी लाना है ना इस सूज के आधार पे, तो आइए वो भी कर लेते हैं। उसमें क्या है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर पी कैट आईडी इक्वल दिस आईडी, पी कैट आईडी, ये पी कैट आईडी, वही वाली बात हुई ना यहाँ पे कि हमने कह दिया कि प्रोडक्ट से सारे आइटम कर लो, बट कहाँ से करो, जिसकी प्रोडक्ट आईडी, यानी जिसकी प्रोडक्ट आईडी पी कैट आईडी, यानी प्रोडक्ट से सब कुछ ले लो, किसका ले लो, जिसकी प्रोडक्ट आईडी, यानी ये जो है पी कैट आईडी, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये पी कैट आईडी, जैसे वन है ये टू है, तो जिसकी जैसे है, अगर यहाँ पे वन आ रहा है तो वन लो, टू आ रहा है तो टू लो, ये बात मैंने की यहाँ पे, ठीक। तो अब अगर टू जा रहा है तो टू के आधार पे ये उसका सारा जो वहां पे आइटम्स पड़े हुए हैं उन सबको ये रिट्राइव कर लेगा। अब क्या है, रन करा दो, किसको, प्रोडक्ट को, रन प्रोडक्ट्स, और हमने क्या किया कि MySQL आई क्वेरी, अब फिर से ही बात हो गई, यहाँ पे अपना डीबी दो, और डीबी देने के बाद में यहाँ पे दे दो इसको गेट प्रोडक्ट्स को, ये बिना डेटाबेस के तो भाई चलते नहीं है। अब ये हो गया। अब क्या करना है कि हमें अब सबसे पहले ये जो रन हो गया तो उन्हें काउंट करना है, कितने आइटम्स हमें मिले हैं इसमें, काउंट करना है कि हमें कितने आइटम्स इसमें मिल रहे हैं। MySQLi नंबर ऑफ रोज, नम रोज, ठीक है, MySQLi नम रोज, एंड उसके बाद में यहाँ पे रन प्रोडक्ट्स, रन प्रोडक्ट्स। आई थिंक ये हमारा वीडियो काफी लंबा हो रहा है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जस्ट इसके बाद का काम जो है करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग।